a South Asian Canadian channel. बीजेपी ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ ਕੋ धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मैं परसों बीजेपी ज्वाइन करी है और आज जब मैं पहले राजपुर आया और उसके बाद खन्ना और लुधियाना और अभी जो जलंधर, इतना जोश एक मेरे फैन पे है, जोश कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता उन पे इतना जोश है और मैं सोच नहीं सकता कि भी मैं इतना एक उन्होंने इज्जत मान, इतना एक स्वागत करा उन्होंने मेरा, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा ये जो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एक उनकी मुहिम चली है कि भाई बीजेपी को लाना है और बीजेपी को जिताना है, और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि भाई अपन जो ताकि हिंदुस्तान मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे जाए, क्योंकि बहुत सारी पार्टी, कितने बार पार्टी है मतलब आई है पंजाब में और पूरे हिंदुस्तान पे अलग अलग इस पे, लेकिन मतलब जो काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनकी सोच है उसी को देख के मैं उसको प्रभावित होके मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। सो आई वांट टू थैंक यू सो मच, आप लोग आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीजेपी ज्वाइन करने तो पीछे सब तो बड़ा कारण की रहा थोड़ा, आखिर बीजेपी ही क्यों? बिल्कुल है, ये सबके मन पे यही सवाल है कि आखिरकार बीजेपी क्यों, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है वो सोच किसी पार्टी की नहीं है, मतलब इस टाइम ना कभी पहले थी ना है। इन्होंने हमारा हिंदुस्तानियों का नाम एक पूरे वर्ल्ड पे छवि बनाई है, अदरवाइज तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान की छवि थी ड्राइविंग की थी और एक बीन बजाने की छवि थी, और इन्होंने जो एक पहचान दी है आज की डेट पे अगर आप देखते हैं वर्ल्ड वाइज में, तो आपको आईटी के जो सबसे ज़्यादा है वो हिंदुस्तान के लोग मिलेंगे, और अगर डॉक्टर देखिए तो हिंदुस्तान के मिलेंगे, और जो कोविड पे काम करा है सारी जितनी हमारी मतलब एक पूरे वर्ल्ड के जो बड़ी मतलब डेवलप कंट्री है उनके भी पसीने छूटे हैं कोरोना काल पर, लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कंट्रोल किया है अब ये कोविड को, सो आई डोंट थिंक सो कि दूसरे कंट्री ने नहीं किया इतना जितना हमारे कंट्री ने किया है। सर तुहाडा राजनीति दे विच आउन दा मुख कारण की सी, क्यों तुहानू लग्या कि तुहानू राजनीति दे विच आउना चाहिदा वा? मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग आए और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनसे मुंडे से मुंडे मिला के, और सब जैसे बोलते ना कि एक वो इंजन है और हम सब दाबे बढ़िए और ताकि मतलब हमारा जो देश है और तरक्की कर सके। इलेक्शंस तो एकदम पहला सेलिब्रिटीज लगातार भाजपा दे विच शामिल हो रही हैं, की कारण लगता है सर? कोई बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो शामिल होती है कई होती है, मतलब उसके लिए कि भी मेरे को कोई सीट मिल जाए कहीं से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये करूंगा। मेरा कोई भी ऐसा मोटो नहीं है, कोई मेरा इरादा नहीं है, मेरा इरादा एक ही है जो कि भी देश हमारा तरक्की करे, और जो मेरे को पसंद आई है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनकी नीति है वो मेरे को पसंद आई है। आप देख सकते हैं जैसे स्पोर्ट्स, पहले कभी स्पोर्ट्स में ओलंपिया में मेडल नहीं आए, उन्होंने जो स्पोर्ट्स के लिए काम किया है और कितने मेडल आए इस बार, हमारे बहुत सारे मेडल आए हैं और ज्यादातर तो मेडल सर पंजाब तो आए हैं। आपको किसका मेडल दिखाइए, मतलब हरियाणा से सबसे ज्यादा मेडल आए जी
अगर पूरे पूरे वर्ल्ड पे देखिए तो सबसे ज्यादा हरियाणा पे आए हैं। सो जितने भी आए सभी को बहुत बहुत बधाई है। कोई ये नहीं कि उन्होंने कहला कोई क्या बोलते हैं उसको हरियाणा पे काम करा, ये नहीं कि उन्होंने कहीं और जगह नहीं काम करा, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं कि भी हरियाणा का या दिल्ली का या एक स्टेट का है, तो लेकिन उन्होंने बहुत काम किया, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, लेकिन लाए तो उनके नेतृत्व पे आए। मतलब पंजाब से हम नशे को हटाना चाहते हैं और पंजाब में जो हेल्थ है उसको और अच्छा कराना चाहते हैं कि हेल्थ मतलब एक और बेहतर होए, और दूसरा रोड, तीसरा एजुकेशन और नौकरी, ये चीजें डॉल जो एक आम इंसान की नहीं है। और भी लीडर आदि मुद्दे जो भी चाहते हैं कि ये चीजा करिए, तुसी वखरा की करना चाहते हो? मैं वखरा जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही हम आज ही संकल्प पत्र दे विच उन्होंने ये ऐलान किया। तुसी नौकरियां दी गल कीती है तो उन्होंने कहा कि जेड़े भी नौजवान बेरोजगार होण के उन्होंने 4,000 रुपए जेड़ा पट्टा नौकरी दे ना मिलन दे करके वेले रहंदे ने, ते 4,000 हर महीने सरकार उन्होंने अकाउंट च पाऊगी। लग रहा कि सरकार इत्ते खरी उतरेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ। ये चीज़ उस चीज को मैं नहीं बता सकता कि हम 4,000 देंगे या 5,000 देंगे या क्या देंगे, देंगे या नहीं देंगे। ये चीज जो हमारे लीडर है, सीनियर लीडर है, वो बता सकते हैं, पर लेकिन जो उनके जो एक विजन है, जो विजन है वो बहुत क्लियर है। वो सोचते हैं कि भी एक हर बंदे को नौकरी मिले, पंजाब से नशा खत्म हो, और जो हमारे नौजवान बाहर भाग रहे हैं यहाँ से, जो एक बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जो यहाँ पर हिंदुस्तान से पंजाब में बाहर भाग रहे हैं, तो उनको रोकने का काम करेंगे जी। सर लखीमपुर खीरी का मुख्य दोषी जमानत है आशीष मिश्रा, तो उन्होंने जमानत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का हुण की ऐलान आया कि पंजाबी जो कि भाजपा पार्टी समेत जिन्हों पार्टियां ने गठजोड़ किया उन्होंने जो कि विरोध करन, किवें वेखदे हो सर इस नूं? देखो यार, हर बंदे का अपना अपना ही है। मेरे को लगता है पॉलिटिकली पार्टी जो है ना, जो एक राजनीतिक है, उन्हें कोई ना कोई मुद्दा तो ढूंढना है। अगर आप जितना मर्जी अच्छा करेंगे, जैसे एक कीड़ी होती है ना, कीड़ी चींटी बोलते जिसको जी। उसको अगर सोफे के ऊपर बैठा दो ना, फिर भी उन्हें सुराख ही ढूंढना है। ऐसे ही है, मतलब जो ऑपोजिट पार्टी है उन्हें कोई ना कोई उन्हें भरना ही ढूंढना है। A South Asian Canadian Channel.